नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 2001 में एप्पल इंक ने अपने पहले दो रिटेल स्टोर खोले। इनमें से एक वर्जीनिया के मैकलिन में और दूसरा कैलिफोर्निया के ग्लेंडेल में खोला गया। वहीं भारत और चीन के बीच 2008 में नाथू लॉ से व्यापार दोबारा शुरू हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज दो अहम फैसले किए गए। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के लिए कई और फैसलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य अब 2030 की बजाय 2025 से 2026 तक किया गया। गुजरात के मोरबी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नमक बनाने वाली फैक्ट्री की दीवार गिरने से करीब 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। अभी भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इस घटना में अपनी जान गंवा चुके मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे दोषी एजी ट्रिब्यूनल को रिहा करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने पैरा रिब्यूनल को रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। पैरा रिब्यूनल को मानवीयता के आधार पर इस मामले में याचिका दाखिल की थी। 2012 में हुए शीना बोरा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी। शीर्ष अदालत ने 6 साल से अधिक समय में जेल काटने के आधार पर जमानत का आदेश दिया। इंद्राणी अपनी ही बेटी शीना की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं। इंद्राणी ने दलील दी कि उनका मुकदमा 6 साल से भी ज़्यादा समय तक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल के फेडरेशन के अध्यक्ष पद से प्रफुल्ल पटेल को हटाया। कोर्ट ने फेडरेशन का प्रशासनिक कार्यभार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अनिल आर दवे वाली समिति को सौंपा है। प्रफुल्ल पटेल ने दिसंबर 2020 में AIFF अध्यक्ष के रूप में अपने 3 कार्यकाल और 12 साल पूरे किए, जो नियम के तहत एक महासंघ के अध्यक्ष के लिए अधिकतम है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका हार्दिक पटेल ने दिया। पार्टी से इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बताया जा रहा है कि गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पिछले 2 महीने से बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। ज्ञान वापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटाया। उन पर कमीशन की कार्यवाही में असहयोग करने और जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया है। अब विश्वास सिंह कोर्ट कमिश्नर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह को सुरक्षित करने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मस्जिद में नमाज न रोकी जाए। चीन में इस साल हुए भीष्म विमान हादसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला है कि चाइना ईस्टर्न जेट के विमान को जानबूझकर ऊंचाई से नीचे लाकर क्रैश कराया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार कॉकपिट में मौजूद किसी शख्स ने जानबूझकर विमान को नीचे लाकर क्रैश कराया। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार देश में थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची। बीते अप्रैल महीने में ये 15.8% रही। इस दौरान सब्जियों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े। आलू के रेट में 20% तक का इजाफा हुआ। फलों के दाम में 11% और गेहूं के दाम में 10% की बढ़ोतरी हुई।
डीडीए की टीम ने दिल्ली के कल्याणपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 4 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एमसीडी की कार्यवाही का विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया है। दोनों देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले से बड़ी चिंताओं के बीच सबसे बड़े सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए ये कदम उठाया। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई। दरअसल वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर देने का फैसला किया है। बता दें कि ये यात्रा जंगलों में लगी आग के कारण बंद किया गया। बताया जा रहा है कि आग के कारण सावधानी बरतते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा के नए रूट को बंद कर दिया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को प्रशासन ने 9 ताले लगाकर सील कर दिया। इसके साथ ही वजू खाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई है। सीआरपीएफ के 2 जवान 24 घंटे सील किए गए वजू खाने की रखरखाव करेंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। इस प्रचंड गर्मी से पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। इसी बढ़ते तापमान को देखते हुए अब दिल्ली चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जानवरों को राहत देने का बंदोबस्त किया है। दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए छिड़काव, बर्फ के टुकड़े और कूलर की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से यह दावा किया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे हनुमान मंदिर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए सुरक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार 3 बैठकें की। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अब प्रत्येक तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड प्रदान करेगा और 5,00,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो 2.0 को लॉन्च करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस ऐप का इस्तेमाल नॉन SBI ग्राहक भी कर सकेंगे। ये ऐप गूगल पे, भारत पे जैसे कई UPI ऐप के तर्ज पर काम करेगा। इस ऐप पर बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ ई कॉमर्स सर्विस भी मिलेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने प्राइवेट सेक्रेटरी पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई फैसलों पर मोहर लगाई। पंजाब में अब किसानों को धान की सीधी बुआई करने पर 1,500 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि 50,00,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का भी फैसला लिया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,829 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना के चलते 33 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15,647 है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का सिनेमा उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। इस साल भारत दुनिया भर के दर्शकों को देश के शानदार सिनेमा, तकनीकी प्रगति, संस्कृति और कहानी कहने की शानदार विरासत देना चाहता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना और रविवार को हल्की बारिश हो सकती है, जिससे सप्ताह के अंतिम दिनों में तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने करीब 150 कर्मचारियों को निकाल दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने कहा है कि उनके कम ग्रोथ रेट की वजह से करीब 150 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनमें से ज्यादातर कर्मचारी अमेरिका से हैं।
हमारा आज का सवाल है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।